नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, ये मेरे इस चैनल का तीसरा वीडियो है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखा होगा, जो कि कैमरा के प्रकार के बारे में था। और आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कैमरा। दोस्तों, हमारा कैमरा एक सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि एक प्रिंसिपल पे, और उस प्रिंसिपल का नाम है कैमरा ऑब्सक्यूरा। कैमरा ऑब्सक्यूरा जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डार्क चैम्बर, यानी कि अंधेरे वाला कमरा। और यह नाम एक इन्वेंशन को दिया गया नाम है जो किसी तस्वीर को बनाने में काम आता है, और यह इन्वेंशन फोटोग्राफी की पहल भी थी। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है और वह काम कैसे करता है। दोस्तों, कैमरा ऑब्सक्यूरा एक सिंपल बॉक्स होता है और उसका साइज एक बड़े कमरे जितना होता है, और उस बॉक्स में छोटा सा होल भी होता है जिससे लाइट उस होल के जरिए पीछे की दीवार पर जाती है और सामने रखी वस्तु की परछाई उस दीवार पर दिखाई देती है, जिससे वह कमरे के अंदर बैठा हुआ आर्टिस्ट उसको एक पेपर के जरिए ट्रेस कर लेता है। तो ऐसे काम करता है कैमरा ऑब्सक्यूरा, और वह होल जितना छोटा होगा पिक्चर उतनी ज्यादा शार्प दिखाई देगी, लेकिन रोशनी कम हो जाएगी। और एक दिक्कत यह भी थी, जो आकृति दीवार पर पड़ती थी वह उल्टी होती थी, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए 18वीं शताब्दी में शीशे का इस्तेमाल होने लगा, जिससे उल्टी दिखने वाली आकृति सीधी दिखने लग गई। और सबसे पहले कैमरा ऑब्सक्यूरा के बारे में चाइनीज फिलोसोफर मूजी ने लिखा, और बाद में एरिस्टोटल ने कैमरा ऑब्सक्यूरा को अच्छे से समझा, और कैमरा ऑब्सक्यूरा बनाने वाले इराकी साइंटिस्ट जिनका नाम अलहातम था, उन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा बनाया। और सन 1490 में लियोनार्डो दा विंसी ने इमेज को ट्रेस करने का तरीका खोज लिया था, और सन 1700 में कैमरा ऑब्सक्यूरा सभी के लिए आम हो गया। और फिर 1826 में सर जोसेफ ने दुनिया का पहला कैमरा पिनहोल कैमरा बनाने में सफल हुए, और उन्हें फादर ऑफ फोटोग्राफी भी कहा जाता है। और जब फादर ऑफ फोटोग्राफी ने सिल्वर क्लोराइड कोटेड पेपर के जरिए इमेज एक्सपोज करवाया, जो इमेज एक्सपोज वो पेपर पर कराते थे वह बहुत जल्दी फेड हो जाते थे। और फिर सर जोसेफ और लुइस जेगरी ने सिल्वर क्लोराइड को बेट्यूमेन से बदला, तो उन्हें पता चला कि ये पिक्चर फेड होने की प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है। पर पिनहोल कैमरे की स्क्रीन पे पिक्चर आने की टाइमिंग घंटों तक थी, तो सर जोसेफ और लुइस जेगरी ने इमेज एक्सपोजर के लिए मर्करी फ्यूम्स का इस्तेमाल किया, जिससे एक्सपोजर का टाइम घंटों से मिनटों में बदल गया, और 1839 में ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद द प्रोसेस ऑफ प्लेट बेस्ड फोटोग्राफी का इम्प्रूव हुआ, और 1884 में इसने कैमरे को हमेशा के लिए बदल दिया, और न्यूयॉर्क के जॉर्ज एस्टमैन ने ड्राई जेल को डिस्कवर किया, और जॉर्ज एस्टमैन ने 1888 में कोडेक्ट कंपनी स्टेबल की, और कोडेक्ट रिवॉल्यूशन कंपनी निकला, और कोडेक्ट ब्राउनी लॉन्च हुआ इन फरवरी 1900, जिसने टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाया, और कोडेक्ट बहुत पॉपुलर कैमरा बन गया। यह तो बात हुई ब्लैक एंड व्हाइट कैमरास की, चलिए बात करते हैं कलर कैमरा की। जैसे जैसे कलर फोटोग्राफी पे रिसर्च हुई, वैसे वैसे मोनोक्रोम फोटोग्राफी के जरिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को भी परफेक्ट किया गया। अगस्ते और लुइस ने कमर्शियली ऑटोक्रोम मेथड को 1907 में इंट्रोड्यूस किया, पर उसकी भी कुछ खामियां थी, जैसे लॉन्गर एक्सपोजर और डार्क फोटोग्राफ, और जिस कमी को कोडाक्रोम फिल्म्स ने 1930 में पूरा किया, जिसकी वजह से ओरिजिनल कलर्स मिलते और पिक्चर की क्वालिटी सुधरती। और आगे कलर फोटोग्राफी को डेवलपमेंट के साथ 35mm रोल फिल्म्स आई, और जिसकी वजह से कलर फोटोग्राफी पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गई, और कैमरा कंपनीज के कंपटीशन ने नए मॉडल और कैमरा को रिलीज होने में हेल्प की। बट फोटोग्राफर्स को लगा जो पिक्चर क्लिक करते वक्त व्यू फाइंडर में जैसी दिखती थी, वैसी फोटो कैप्चर होने के बाद नहीं दिखती थी, और इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए SLR कैमरा का इन्वेंशन हुआ। SLR का मतलब सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास, और 1948 में एडविन ने पोलराइड मॉडल 95 रिलीज किया, फर्स्ट इंस्टेंट कैमरा जो कि इमेज सिर्फ कुछ मिनट में ही प्रिंट कर देता था। बहुत महंगे होने के कारण मॉडल 20 स्विंगर कोडेक सुपर 6 20 पैक बहुत फेमस तो हुए, पर वो बहुत महंगे थे, और फिर लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ने
1960 में इसे लोगों के लिए अवेलेबल कराया और फिर वो वक्त आ गया जब डिजिटल कैमरा लॉन्च हुए जिसने दुनिया बदल दी और फर्स्ट डिजिटल कैमरा का डेवलपमेंट करने का काम 1975 में कोडेक के इंजीनियर स्टीवन सेजन ने की और वो पोलराइड कैमरा लगभग 3.6 केजी का और 23 सेकंड में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कैप्चर कर सकता था और फिर पहला पोर्टेबल कैमरा फीजी DSX 1989 में जापान में रिलीज हुआ और US में DY कैम मॉडल 1 शिफ्ट हुआ 1990 में और फिर 1995 में कैजियो UV10 लॉन्च हुआ फर्स्ट कैमरा विद कैजुअलिटी स्क्रीन और RDC1 पहला कैमरा था जिससे वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की जा सकती थी और फिर सन 2000 में शार्प नाम की कंपनी ने पहला कैमरा फोन बनाया और फिर फ्रंट कैमरा फोन सबसे पहले 2003 में सोनी इरिक्सन ने लॉन्च किया और फिर इसके बाद तो कैमरा फोन की बाढ़ सी आ गई और आज के टाइम में आपको हर किसी के पास कैमरा फोन मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको फोटोग्राफी की दुनिया की कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें दिखाता हूँ। दोस्तों, यह तस्वीर जो आप देख रहे हो यह दुनिया की पहली फोटोग्राफ है जो सर जोसेफ ने 1826 में खींची थी और इस तस्वीर को खींचने में करीब 8 घंटे का समय भी लगा था। दोस्तों, यह तस्वीर देखकर आपके मन में क्या आ रहा है? आपको यह एक सिंपल सी पिक्चर लग रही होगी। दोस्तों, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर आपको एक इंसान दिख रहा होगा, ये देखिए। दिखा दोस्तों, यह दुनिया की पहली पिक्चर है जिसमें ह्यूमन कैप्चर हुआ था और इस पिक्चर को लुइस डेग्री ने 1839 में खींचा था। और दोस्तों, यह दुनिया की पहली सेल्फी है जो अमेरिकन फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने खींची थी और यह दुनिया की पहली ग्रुप सेल्फी है जो 1920 में खींची गई थी। दोस्तों, यह बंदा जिस तस्वीर को इतनी गौर से देख रहा है वह तस्वीर दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर है जो कि 2011 के ऑक्शन में $4.3 मिलियन में बिकी थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए फोटोग्राफी के बारे में और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। दोस्तों, उसके लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उस बेल आइकन को तो जरूर दबाना जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।